ये आ गया भाई शेर, रोज भाई आगे ले लियो, ये आ गया, ये आ गया। तो भाई आप जिम कोर पर आना हो गया सफल, ये है टाइगर, तो फुट टाइगर लेके चल रहा है, बैक कर रहा है, उतर रहा है बैक कर रहा है, रुक नहीं है, टेंशन मत लो, टेंशन मत, धीरे-धीरे करके लो, आ रहा है अपनी तरफ ही आ रहा है। मेरी नजर पड़ गई होता, ओए सामने भी देखते रहना, कभी उनके सभी हाथी आ जाए तो भैया इन पर नजर पड़ गई रात को, और ये बहुत डेंजर होते हैं। शेर तो मिला नहीं है, लेकिन देखो नील गाय तो मिल गई है, नील गाय नहीं, आंखें देखो इनकी खड़े है ना, हो सकता है भाई ये क्या भालू कॉल हुई है, कॉल ही है, लेपड़े, ओ यार लेपड़े, रुक जाओ, लेपड़े लेपड़ दिख गया। और मेरे भाई मैं आप एक बात और बता दूं, जो हमने कल शेर ने देखा था आप लोगों ने, कि शेर ने मार दिया गाय को भी मार दिया था, प्लस एक बंदे को भी मार दिया था, वो पकड़ा गया है, उसकी वीडियो डालूंगा, छोटी छोटी क्लिप हमारे पास में, इतनी बड़ी तो खैर है भी नहीं, तो कैसे पकड़ा गया भाई, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, छोटी पिंजरा लगाया था, पिंजरे में नहीं आया, तो दो एलिफेंट हमारे पीछे भाग दिए, फीमेल थी और उसका बच्चा था, उनको लग रहा है कि हम उनको मारने जा रहे हैं, इसलिए हमने हम पे अटैक कर दिया, हमने थोड़ा सा पीछे हो गए, स्लो स्लो हम भी पीछे हो गए, हम घबरा गए, मतलब यही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इसके घेर मारना था बैक का रिवर्स, और उसने मार दिया पहला घेर और आगे की तरफ होगी, तो मतलब थोड़ा सा उस टाइम जान के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क किया। दोस्तों ये कबीला से हम निकल रहे हैं, चेकआउट हमारा हो चुका है, पर चेकआउट काफ़ी लेट हुआ है, 3:30 बज चुके हैं, अभी हम जा रहे हैं द अरावत साकेत जी के पास, साकेत जी के यहाँ रुकेंगे, उसके बाद जाएंगे हम डिकाला, कल हमारा डिकाला स्टे है, आज हमारे साकेत जी के हैं, कल डिकाला। अब देखो डिकाला में पेड़ वाली मिलती है हमें, या पार वाली मिलती है, या अन्य कोई और टाइगर, आप बने रहें हमारे चैनल पर, आपको आगे कंटिन्यू दिखाते हैं। ये भाई भी आ रहे हैं हमारे वॉक करते हुए, भाई वॉक हो गई, वॉक कर दिया पूरा। ये भाई टाइगर है हमारा, ये आज ठंड मान रहा है, सामर डियर इतना बड़ा है, रोड क्रॉस कर रहा है, बीच रोड में ये आया और आया, नील गाय नहीं है, सामर डियर है, सामर डियर है, एशिया का सबसे बड़ा डियर है, अभी और भी आ रहे हैं पीछे से, और भी आ रहे हैं, सही चलता है, देख अब देख लोगों को ना पहले ब्रेक मालूम नहीं चले, अरे भगा दे भाग दे बाइक वाले के चक्कर में, भाग दे और नहीं जाएगा अभी, गाड़ी जाती है वो मुंह पे रोक लेगा, देखो भाई उसकी गलती देखना, हमने पहले रोके पर वो मुंह पे रोक लेगा, पीछे कर ले थोड़ा, तो मैं तुम्हें टाइगर नाम से तो खैर क्या, मैं टाइगर देखने आया हूँ जिम कॉर्बेट, और आज हम दूसरी लोकेशन पे हैं, और अब जा रहे हैं दोबारा रात में दूसरी जगह पे, जैसे कल हमने करी थी रात को, क्या करी हमने कल, सफारी, नाइट सफारी, नाइट सफारी, ऐसे आज हम करेंगे दिन की सफर, सॉरी नाइट सफारी, दूसरी जगह नाइट सफारी हम करने, और टाइम कॉलिंग भी हो रही है बहुत ज्यादा, स्पॉटेड डियर कंटिन्यू बोल रहा है, कम से 5 मिनट हो गए होंगे उसे बोलते हुए, और देखो टाइम आप लोग देख ही रहे होंगे, साकेत भाई भी है साथ में, 11:42 साकेत भाई, हम कहाँ कहाँ जाएंगे, साकेत भाई, साकेत भाई यहीं क्या है, साकेत भाई का रिसोर्ट है, भाई कहाँ जाएंगे, हम सीताबनी में, क्योंकि सीताबनी में आजकल दो टाइगर मेल और फीमेल दोनों दिख रहे हैं, अच्छा हाँ, कल भी किसी को दिखाया, उन्होंने वीडियो भी डाल रखी है, और साइटिंग ग्रासलैंड के पास हो रही है मेल फीमेल की, चलो भाई तो देखते हैं, वो टाइगर का भी चांस है जिसने पहले अटैक किए थे बच्चों के साथ, बच्चों के साथ रिंग ऑर्डर मिलेगा, चलो भाई देखते हैं, और जितनी कोशिश होगी अच्छी चीज मिलेगी, शेर मिलेगा, जैसे मिलेगा देखेंगे, हम भी देखना चाह रहे हैं, रात में शेर, शेर तो मिला नहीं है, लेकिन देखो नील गाय तो मिल गई है, नील गाय नहीं, आंखें देखो इनकी, आंखें चमक रही है, ये घोड़े की तरह थोड़े, नहीं नहीं वो हमारी लाइट की वजह से है, रुक नहीं, टेंशन मत लो, टेंशन मत, धीरे धीरे करके लो, अपनी तरफ ही आ रहा है,
बस ऐसे ही बैक करते रहो, बैक करते रहो, धीरे धीरे मोड़ लो। पीछे दिख रहा है, पीछे दिख रहा है, बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ऐसे उल्टी घुमा दे। अरे रुक जाओ, अरे टेंशन मत लो, रुको 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 रुको, लाइट मारो बस। गाड़ी पीछे देख लो, पीछे देख लो, आ रहे हैं इधर ही, आ रहे हैं, बच्चा है, मोड़ लो भाई, इधर ही आ रहे हैं। तो भाई ये हाथी है, दो, एक बच्चा है इसका और एक ये, मेरी नजर पड़ गई होता ओए सामने भी देखते रहना, कभी उनके से भी हाथी आ जाए तो भैया इन पर नजर पड़ गई रात को, और ये बहुत डेंजर होते हैं। ना ना ना, नॉर्मल खड़े हैं ये, देखिए कितने आराम से, नहीं भगा, हाँ सीधी से कर ले गाड़ी की, ऐसे हो कि सीधी कर ले। देखिए को बता, ये देखिए दोस्तों एलिफेंट देखिए। तो भैया जंगल में रात को मिल गए दो हाथी, हाँ देखिए कितना अच्छा लग रहा है, कितना हाथी का बच्चा, बच्चा है ये छोटा सा, एक बच्चा है और एक बड़ा है, और ये इसकी माँ है। एक बार पीछे को वाइपर मार दे, नहीं बहुत गंदा हूँ पानी, अरे पानी। ये देखिए हम लोग टाइगर देखने जा रहे थे रात में, और अचानक हमें क्या दिखा, ये हमें एक्चुअली रोड पे यहाँ पे बहुत सारा चुप पेड़ टूटे हुए गिरते थे। ये रे भाई हाथी दो, एक बच्चा, एक बच्चा है और एक उसकी माँ है, और कितने शांत खड़े हैं बिल्कुल। और हमें इनसे लग रहा है बहुत डर, क्योंकि भाई ने बता दिया कि ये बहुत खतरनाक होते हैं। भाई खतरनाक होते हैं? खतरनाक होते हैं, लेकिन अभी शांत है, अगर हम परेशान नहीं करेंगे तो वो भी नहीं करेंगे। देखिए कितने आराम से माँ से ऐसे चिपक के खड़ा है। कितना प्यारा लग रहा है भाई, ऐसे प्यार से खड़े रहना यार। देखो रोड के कलर में इनका जो कलर है वो मिक्स हो जाता है, हाँ है ना। ये अभी जंगल में से उतरा और आधा भरा आधा अंदर, मेरी नजर पड़ी, अब ये इरिटेट होगी, अब है ना, इरिटेट होगी, अब इरिटेट होगी, या तो उधर को जाएगी या फिर नहीं, उधर को डिसीजन लिया इसने जाने का। हाँ भाई पीछे भी कुछ है शायद इसके, नहीं वो तो रिफ्लेक्टर है। हाँ ये रोड पे इनका राज है आज, ये रास्ते से जाने नहीं दे रहे हमें। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, अरे गणपति बप्पा। अच्छा शांत है बिल्कुल, बच्चा भी आराम से खा रहा है, इनको पता है हम इनको परेशान नहीं करेंगे। हमें पीछे से ही देखते आ रहे हैं, इन्होंने काफी पेड़ तोड़ रखे हैं, तो अंदाजा हो गया हाँ भाई है हाथी यहाँ पे। देखिए कितनी अच्छी वाइल्ड लाइफ दिखती है रात को, पूरा रोड और पूरे रोड के ऊपर ही खड़ा है। अच्छा भाई वहाँ तो गाड़ी गाड़ी जाएगी तो हटेंगे नहीं साइड, है ना। ना ना ये तो चार्ज कर देगी हमारे ऊपर, बच्चा है ना साथ में। हाँ भाई कैसे भी करेगा, अभी जो उसकी सूंड जैसे कर रखी है ना वो, उसने अभी सोच रखा है कुछ, अभी वो अचानक से चार्ज कर सकती है हम पे, मॉक चार्ज करेगी। अच्छा हाँ धीरे धीरे करके ना अचानक से दौड़ेगी, घबराना मत, जब दौड़ेगी तो दौड़ने देना, आने दो आने दो आने दो आने देना, हमसे तेज थोड़ी चलेगी, आने देना आने देना, रुकेगी आगे थोड़ा, ये हमें डराना डराने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी देर आएगी फिर रुकेगी, देखो फिर रुकेंगे आके, देखो। तो भाई जंगली आती है, नॉर्मल चीज नहीं है ये। देखिए दोस्तों कितना अच्छा लग रहा है ना, आप लोगों को तो देख के अच्छा लग रहा होगा लेकिन हमारी तो फट रही है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, उनकी भी फट रही उतनी। तो देखिए दोस्तों ये लोग वीडियो खराब कर रहे हैं। बार बार मुझे इसको कट लगाना पड़ेगा। तो मैं एक ही शब्द को दोबारा बोल रहा हूँ, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये सूंड से ये पेड़ ना तोड़ रहे हैं, ये बच्चा खड़ा है प्यारा सा, दिख रहा है भाई, एक ही छोटा सा हिरन है, काकड़ है, काकड़ है, हाँ बार्किंग डियर, बार्किंग डियर या। और ये भाग जाएगा हमें चलते, ए घुस का घूम कर लो भाई लास्ट, देखो देखो भाई रात में तो मजे ही आ रहे, ये सामर भी है, हाँ, और स्पॉटेड भी है, ये देखो अंदर सामर डियर भाग गया, और यहाँ पे टाइगर वाइगर भी कुछ है जिस तरीके से खड़े हैं ना, हो सकता है भाई, ये क्या भालू, कॉल हुई है, कॉल हुई शेर की, लेफ्ट में हुई है कॉल, आगे चलो, वो भागे एक सामने, हाँ कॉल हुई है, बहुत सारे स्पॉटेड डियर हैं दोस्तों, ये फीमेल ज्यादा है इसमें भाई साहब, रात में तो है लेपड़े, ओ यार लेपड़े, रुक जाओ रुक जाओ, लेपड़े लेपड़े दिख गया इसमें, हाँ हट जा रही लेपड़े, बहुत बड़ा लेपड़े ही है।
ये देखो भाई देखो, हाँ क्लियर दिख रहा है, सब दिख रहा है। टॉर्च करो यार, ये देखो कितना क्लियर आ रहा है, देख रहा है भाई, भाई साहब दिख रहा है हमारी तरफ ही देख रहा है, ये भाई दिखाना इस पे, हाँ लेपर्ड है, ओ भाई साहब ये लेपर्ड है कि टाइगर है भाई, भाई लेपर्ड नहीं टाइगर ये। कल हमने नाइट ड्राइव करी थी, उसमें हमें एलिफेंट दिखे थे, लेपर्ड भी दिखा था और काफी और वाइल्ड लाइफ बहुत दिखी, तो दो एलिफेंट हमारे पीछे भाग दिए थे, फीमेल थी और उसका बच्चा था, उनको लग रहा है कि हम उनको मारने जा रहे हैं, इसलिए उन्होंने हम पे अटैक कर दिया, हमने थोड़ा सा पीछे हो गए, स्लो स्लो हम भी पीछे हो गए, हम घबरा गए, मतलब यही गाड़ी ड्राइव कर रहा था, इसके घेर मारना था बैक का रिवर्स और उसने मार दिया पहला घेर और आगे की तरफ होगी, तो मतलब थोड़ा सा उस टाइम जान के लिए भी बहुत ज़्यादा रिस्क किया, और रात के 2 बज रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी का टाइम था, और वो वाला रास्ता ऐसा था यही लेके गया, मुझे तो पता भी नहीं, पूरा सुनसान, हम उस रास्ते पर कल 3-4 घंटे चले, एक गाड़ी नहीं दिखी, हमारी गाड़ी चल रही थी, उस पर आ रही थी जा रही थी, तो फिर ज़्यादा आगे गए नहीं हम, क्योंकि शायद आगे ऐसा था उस रोड के आगे हमें रास्ता तो दे दिया था हाथी ने, ऐसा नहीं है, बट हाँ उस रास्ते के आगे ऐसा ना हो, हाथियों का झुंड भी होता, वो पीछे भी आती आगे भी आती तो काफ़ी डेंजर हो जाता है, इसलिए हम वहाँ से, और उसका जो कलर था बिल्कुल रोड वाला एकदम पहाड़ जैसा था, क्योंकि मिट्टी डालते रहते अपने ऊपर खेलते रहते, इसलिए मे भी शायद ऐसा होगा, और बट ये है कि एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था, रात के टाइम 2 बजे कभी आपके सामने कोई जंगली जानवर आ जाएगा ना, आप खुद फील करोगे जो हमने फील किया, अब हम बता रहे हैं तो आपको थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा वीडियो में, बट जो हमने फील किया वो बहुत डरावना था, और सीरियसली बोलूँ जानलेवा था, अगर थोड़ा सा भी रिस्क ना ले हम, थोड़ा सा और ज़्यादा करें कि हाँ चलो उनके पास चलो चलो, जो भी भाई ऐसा करेगा उनको नहीं करना चाहिए, मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, क्योंकि अग्रेसिव होता है जानवर और बहुत ताकतवर होता है जानवर, कि उसके सामने गाड़ी वाड़ी कुछ भी मायने नहीं, सीधा गाड़ी को पलटेगा, 2 मिनट लगते हैं, और अभी जो लोकेशन है, लोकेशन आप देखो कहाँ पर हमारी, पूरा जंगल है, पूरा पीछे तक जंगल जंगल है, पूरे इसमें ये जो नीचे यहाँ पे रिवर है, बरसाती नाला बोलते हैं इसे, इसमें डेली टाइगर लेपर्ड चलता है, बहुत पग मार के मैंने ट्रैकिंग करी हुई है यहाँ पे, लेकिन मजा आया, लेकिन चलो अब तो हम कहाँ जा रहे हैं, हम डिकाला, अब डिकाला जा रहे हैं, डिकाला में दिखाएगा परवीन हमें शेर, चलो पेड़ वाली पार वाली दोनों दिखेगी अपने कब्स के साथ, चलो, और मेरे भाई मैं आप एक बात और बता दूँ, जो हमने कल शेर ने देखा था आप लोगों ने, कि शेर ने मार दिया गाय को भी मार दिया था, प्लस एक बंदे को भी मार दिया था, वो पकड़ा गया है, उसकी वीडियो डालूंगा, छोटी छोटी क्लिप हमारे पास में, इतनी बड़ी तो खैर है भी नहीं, तो कैसे पकड़ा गया भाई, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, छोटी पिंजरा लगाया था, पिंजरे में नहीं आया, इंजेक्शन मार के बेहोश करके पकड़ा गया, गोली टाइप की मार दी उसमें इंजेक्शन, हाँ इंजेक्शन से बेहोश होगा, बेहोश होगा, उसे उठाया, देख के ऐसा लग रहा भाई साहब, दोस्तों टाइगर भाई यार तो अपनी वाली गाड़ी में गए, साकेत भाई अकेले थे, तो मैं इनके साथ जा रहा हूँ, अच्छा नहीं लगता कि हम एक साथ जा रहे हैं, एक ही जगह पे जा रहे हैं, और भाई अकेले, और भाई घर में ये जोड़ी तो आप देख चुके हो कुछ महीनों से बहुत बढ़िया चल रही है, और आगे भी हमेशा साथ रहेगी, हमेशा और ऐसे ही रहेगी, बिल्कुल, हम उन लोगों में से नहीं है जो जोड़ियां खराब करते हैं, हम जोड़ी बना के रखने वाले राजनीति करते हैं, नहीं दिल साफ, हाँ बिल्कुल दिल साफ, हम या तो दोस्ती करेंगे नहीं करेंगे तो दिल से करेंगे, और निभाएंगे भी उसे दिल से, बिल्कुल, हम व्यू और ये सब नहीं देखेंगे, सब्सक्राइबर सब्सक्राइबर, अभी हम दो भाई हैं, हो सकते हैं हम इसी तरीके से रहे, और भी हमारी तरह कुछ अच्छे लोग, अच्छे साफ दिल के लोग रहे, वो भी हमसे जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ भी रहे हैं, बहुत अच्छे जुड़ रहे हैं, टाइगर भाई को देखो कितना अच्छा लगा, वरना हम कबीला रुके हुए थे, वहाँ पे बहुत भीड़ थी, अच्छा था नो डाउट, पर वहाँ पे बहुत रस आता है, वो सारा पार्टी वाला क्राउड है, पर हम पार्टी वाले नहीं है, हम है नेचर वाले, वाइल्ड लाइफ वाले, हमें नेचर चाहिए यहाँ पे, ये साकेत भाई ने ना बहुत सुंदर प्रॉपर्टी बना रखी है, इसका कोई जोर नहीं है। दोस्तों हम उस जगह पे आ गए जहाँ पे कल एलिफेंट था, हम इसी जगह से कल वापस मुड़े हैं, एलिफेंट ने जो पे चार्ज किया था, क्योंकि हम तो आराम से बैठे थे, आराम से जंगल फील करते हुए निकल रहे थे, आगे एलिफेंट एकदम दिख गया हो तो, वरना हम तो एलिफेंट के पास ही जाके रुकते है ना, भी तो था, हाँ एकदम उसने चिंगाड़ा था बहुत तेज, उसके बाद थोड़ा ही आगे जो लाल पहाड़ है वहां से हम मुड़े थे, हम शांत हो गए थे, वो भी शांत हो गए, जगह जगह पेड़ तोड़ रखे हैं काफी, अभी कुछ दिखता है दूसरा मैं दिखाता हूँ आपको वीडियो में, पर रात मजा बहुत आया, पहली बार नाइट सफारी में इतना डर का आभास हुआ है ना, हाथी देख के, टाइगर हाथी देख के, टाइगर से डर नहीं होता, लेपर्ड से कुछ, पर टाइगर आएगा हमारे पास गाड़ी में कुछ नहीं कर पाएगा वो, ठीक है, एलिफेंट में इतनी पावर है, गाड़ी को पलट देगा, उछल देगा, इसके ऊपर चढ़ के पैर, दोनों पैर रख के उसे फोड़ देगा, गाड़ी को पिचका देगा पूरा, करता भी ऐसे ही, हाँ सेम ऐसे ही करता है, पीछे उसकी डंग पड़ी है, हाँ डंग पड़ी हुई है, जगह जगह पूरा ग्रुप आया हुआ है ना,
अभी बिल्कुल वहीं पहुंचने वाले हम जहां से मुड़े थे, सेम उसी जगह पे पहुंच चुके हैं। बस दो बैंड बाद है मुझे। हाँ कल तो सभी डर गए थे। हाँ, एलिफेंट से डर सच्चा है। ये वाले बैंड के बाद। हाँ ये बैंड के बाद एलिफेंट दोस्तों बहुत ही खतरनाक होता है। सब ज्यादा खतरनाक होता है टस्कर और मकना। यहाँ तो ये रहा हाथी, इस बोर्ड के पास से निकला। हाँ इस बोर्ड के पास खड़ा हुआ था, बोर्ड से पहले इधर से आया था ये रहा। हाँ, नीचे से इधर से। दोस्तों हमें डिकाला का परमिट हो गया है और हमारे ये कराया पांडे जी ने। मैंने बहुत कोशिश करी, अभी तक किसी पे भी हमारा परमिट नहीं करा गया। और पांडे जी ने क्या बोल के कराया, टेंशन मत लो हम करा के मानेंगे, और करा दिया पांडे जी ने। अरे बस सब गांधी जी की मेहरबानी है दादा। अच्छा गांधी जी ने आपकी मेहरबानी, गांधी जी तो सब ले रहे थे, ये मेहरबानी आपकी है। तो दोस्तों मैं इनका नंबर दूंगा आपको, कभी आपको बुकिंग चाहिए तो पांडे जी से संपर्क करें, आपको 100% बुकिंग दिलाएंगे। जिम कॉरिडोर में कुछ भी करना हो, कहीं भी स्टे करना हो, सफारी करना हो तो पांडे जी से संपर्क करें, ये आपको सारी सफारी भी कराएंगे। इनके पास सारे एक्सपर्ट ड्राइवर हैं, एक्सपर्ट गाइड हैं, और ये खुद भी बहुत बड़े एक्सपर्ट हैं। इनकी मैं इनके पास ना वीडियो देख के आया हूँ, किसी में अपने जानने वाले की वीडियो देखी थी, वहीं से नंबर मिला था, और मैं दूसरी बार इनके थ्रू जा रहा हूँ, पहले भी इन्होंने बुकिंग कराई थी। दोस्तों हम आ गए धनगढ़ गेट पे और ये जिम कॉर्बेट म्यूजियम है। सो भाई हम पहुंच चुके हैं टिकाला की एंट्री पे, ये धनगढ़ गेट कहलाता है और टिकाला की एंट्री है, ये जंगल में घुसेंगे हम, ठीक है। और ये अपना म्यूजियम है टिकाला का। तो अब अंदर जंगल में क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है, वो लोग मतलब एक्साइटेड है काफ़ी लोग, हमारे भाई और हम, और देखते हैं अब अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा, शेर मिलेगा या कुछ भी ना मिला है। एनीवे चलो देखते हैं अंदर क्या होता है। चलो दोस्तों हम घुस चुके हैं टिकाला में और टिकाले की सफारी यहाँ से हुई स्टार्ट। लोगों को यहीं से टाइगर दिखना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी किस्मत अच्छी होती है यहीं से टाइगर देखना चालू हो जाता है। तो हम तो रियल बैठ गए, रियल टाइगर तो खुद टाइगर लेके चल रहा है। बच्चा फैमिली है पूरी, तीन स्मेल आ रही है इसे, ये देखो पूंछ उठा रहा है, पैर भी पटकेगा। ऊपर इस साइड ज्यादा देख रहा है, ऊपर जा नहीं रहा, देखो भाग के नीचे आ रहा है वहां पे। फाइनली भाई हम आ चुके हैं अपने यहाँ पे रुकना था, यानी कि टिकाला। और टिकाला बहुत अच्छी जगह है जिम कॉर्बेट की, और यहाँ अक्सर शेर वगैरह आते रहते हैं, और काफ़ी लोगों से मैंने सुना है टिकाला का फीडबैक कि बहुत अच्छी जगह है। तो लेट्स सी, देखते हैं अब आ चुके हैं तो आगे मिलेगा कुछ तो जरूर दिखाएंगे। दोस्तों पहुँच गए हम टिकाला, मैं इधर दूसरी बार है, पहले टू नाइट स्टे था, अब की और वन नाइट स्टे है मेरे यहाँ पे। और पिछली बार तो हमें पार वाली की साइटिंग हुई थी, सिंगल थी, अब की बार दो से वो चार बच्चे लेके घूम रही है। अब देखो हमें साइटिंग होती है नहीं होती है। अभी मैं रिवर साइड में जा रहा हूँ, अब की बार रिवर में पानी थोड़ा ज़्यादा है, वरना पहले पानी कम था तो बहुत एलिफेंट दिखते थे, और एलिफेंट अब भी दिख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा तो दिखाता हूँ, पर दो चार ही हैं, पहले तो बहुत बहुत सारे एलिफेंट थे। ये देखे ये एलिफेंट, ये तीन बड़े दिख रहे हैं मुझे और दो छोटे, नहीं चार बड़े हैं ये एलिफेंट हैं। इसके बाद और सर्च करते हैं हम, कुछ दिखता तो
तो भाई अब निकल चुके हैं हम डिकाला से अपनी पहली सफारी के लिए, और अब देखते हैं क्या दिखते हैं। खैर निकलते तो यहाँ दिख रहे हैं जो आप लोग बहुत ही देख जा रहे देख चुके हो, और इन्हें तो देख देख के हम भी पक गए हैं। तो हिरन हो सके तो तुम मत दिखो यार, ये रे भाई। अब देखते हैं जंगल की सफारी करके शेर दिखता है या क्या दिखता है, जो भी अच्छी चीज़ दिखेगी दिखा भाई। बहुत ही ज़्यादा अच्छा सामान है देख लो, और सींग भी है और फुल दाढ़ी वाड़ी बाल वाल सलूट है भाई तुझे भी तो, जिनका तू शेर से बच का बहुत सुंदर है, सुंदरता की तारीफ कर दी है। पार्किंग डियर दोस्तों, ये वही पार्किंग डियर है जो थोड़ी सी आग में भी डर जाता है, ये थोड़ा सा सारी सतर्क होता है। तो भाई अभी तो दिखे हमें दो हाथी, ये रे एक हीरा और एक इसके साथ ही आगे पीछे, हाँ ये रहा दूसरा, ये रहा। कान नाक आंख सब खोल देते हैं, जंगली हाथी भाई ये, ये देखो दोस्तों, टाइगर आ रहा है, टाइगर की मोमेंट बन गई है। अलार्म कॉल हो रही है, भाई जंगल के अंदर जो पानी की सुविधा होती है जीव जंतु के लिए, इस टाइप की छोटी छोटी नहर झरना होते हैं, और ये लो जी हम उतर गए नदी में, तो पानी आ रहा है ऐसे यहाँ से, वो तो जा रहा है यहाँ पर और तो बहुत ही आगे तक जाता है, और जंगल की व्यू आप देख ही रहे हो। तो भाई हम जा रहे हैं पार वाला एरिया, और ये अभी नया कोई पुल बनाया खोल दिया गया है, ये देखो इस नहर को क्रॉस करने के लिए ये लकड़ी का पुल, पूरा फिल्में वाली फीलिंग, चलता हुआ पानी, अच्छा टिकाला का पार वाला एरिया चालू है, हर थोड़ी थोड़ी जगह में दूरी में अपनी नदी मिल जाती है ऐसी, जो कि जंगल के जीव जंतुओं के लिए पानी पीने की सुविधा होती है जहाँ पे। और बोलते हैं कि शेर ऐसी नदी के किनारे बैठता है क्योंकि उसका शिकार थोड़ा आसान हो जाता है, उसके पास खुद चल के आता है। सरपंट ईगल, ये देखो बहुत खतरनाक आंखें होती है इसकी, और हमें देख रहा है। ये रे भाई बड़े बड़े हाथी के पैरों के निशान, ये सामने जो है डिकाला है जहाँ हम रुकेंगे, उधर हमारा स्टे है, ये रहा डिकाला।
बर्ड्स, ये बाहर की है, सर्दी में आ जाती है हमारे इंडिया में। दोस्तों ये वही जगह आ गई है जहाँ पे मुझे लास्ट टाइम टाइगर्स दिखी थी, पार वाली, पारो। कांटा रोड है, हो सकता है आज भी हमें यहाँ मिले। हम दोबारा उसको चेक करने के लिए जा रहे हैं। एलिफेंट है पड़े हुए जगह जगह, एलिफेंट मूवमेंट ठीक ठाक है, अभी ज़्यादा तो आए नहीं है एलिफेंट, क्योंकि अभी यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ चारों तरफ। भाई डिकाला के अंदर देखो हिरन आ चुके हैं, ओ तेरी भाग रहे भाई ये था। ये भी ये दे दे दे। ये हमारा रूम है और अभी थोड़ी देर पहले क्या हुआ है कि जो ये स्पॉटेड, ये देखो इनका एक छोटा सा बच्चा था, उसको जकल उठा के ले गया अभी अभी थोड़ी देर पहले। अभी ना थोड़ी देर पहले यहाँ की तरफ ये घूम रहे थे तो बता रहे कि यहाँ से पीछे से एक जैकल आई और इनके एक बच्चे को उठा के ले गई। भाई जैकल ले गया ना इनको उठा के कुछ। हाँ, देखो अकेला खड़ा ही हूँ। ये आ गया, तो भाई आप जिम को और बढ़ाना हो गया सफल। ये है टाइगर, टाइगर कितना बड़ा भाई।